आईपीएल 2018 चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच 97वां मुकाबला हुआ और इस रोमांचक मुकाबले में धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 विकेट से सनराइज हैदराबाद को मात दे दी। इस हार के बाद हैदराबाद काफी निराश है, लेकिन हैदराबाद के पास एक और मौका है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 139 रन ही बना सकी और चेन्नई ने पहले गेंदबाजी करते हुए ऐसा दबदबा बनाया कि सनराइज उससे उबर ही नहीं पाई। वहीं बात करें प्लेऑफ के लिए तो सबसे पहले क्वालिफाई करने वाली टीम हैदराबाद है, पहले अंक तालिका पर थी, लेकिन चेन्नई ने हैदराबाद को हराकर अपनी जगह पक्की कर ली है। बता दें 25 मई को दूसरा क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, जहां उसका मुकाबला नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा और जहां 23 मई को खेले जाने वाले एलिमिनेटर की विजेता टीम से मुकाबला होगा। इस पूरे मैच में सबसे खास बात यह रही कि धुरंधर बल्लेबाजों की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी मुकाबला जीतना उतना आसान नहीं था और अगर हैदराबाद टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो स्कोरर राइडू और वॉटसन तो बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। दो बार की विजेता टीम सुपर चेन्नई किंग्स की बात करें तो क्या इस बार भी किंग्स जीत हासिल कर पाते हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।